सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आज कहते हैं वीकेंड के दिन सादर जय जिनेन्द्र के साथ। और आज बात कर रहे हैं जब संतों से होता है दुर्व्यवहार तो हमारा समाज क्यों चुप्पी ठान लेता है। उधर कोल्हापुर के अंदर महालक्ष्मी टेम्पल की जिस तरीके से कहते हैं ना नज़र घुमाई, पहली बार इतना बड़ा पिछे संघ पूछा, इसके बारे में बता दिया आपको। और इधर ढाई दिन के झोपड़े में आचार्य श्री सुनील सागर जी, पहली बार दिगंबर संत अगर गए तो ढाई दिन झोपड़े पहली बार पहुंचे। अब हमारा समाज तो बिल्कुल आंख पर हाथ धर कर आंख बंद करके बैठा हुआ है, तब कहते हैं कुछ संतों को ही आगे बढ़ना होता है और वह कर दिखाया था आचार्य सुनील सागर जी ने। जब वह गए थे ये चर्चा खबर बन गई, उसके बाद देख रहे हैं आप ये सबसे बड़ा अखबार है भास्कर, उसके मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपी। उसके बाद जब आचार्य श्री गए तो जानकारी मिली हमें कि उनसे दुर्व्यवहार किया गया, नोकझोंक हुई, वो तो साथ में आरएसएस के और बजरंग दल के लोग थे। आपको पूरी स्टोरी ना कल बताएंगे आपको इस समय, पर आज आपको थोड़े से एक टेलर बता रहे हैं क्योंकि यह खबर जब चर्चा में आ गई इसलिए बता रहे हैं। दुर्व्यवहार किया और उसके बाद वहाँ के अंजुमन सचिव जो थे उन्होंने बहुत बेहुदा टिप्पणी कर दी आचार्य शिव के ऊपर, पूरे संघ के ऊपर। वहाँ तो कुछ नहीं चल पाई क्योंकि साथ में आर अधिकार है, ये पुरातत्व विभाग के अंदर है, क्यों प्रवेश नहीं मिलेगा दिगंबर संतों को जो वैसे ही जाते हैं। लेकिन उसने ऐसी भेदो टिप्पणी की, पहले वह सुनाते हैं जो उन्होंने टिप्पणी की थी। सुनिए जरा वह ऑडियो, चिलहन महालक्ष्मी के पास है, आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। मैं सैयद सर्वश्री जी सेक्रेटरी अंजुमन, मैंने सीआई साहब को ये ढाई दिन की झोपड़े की बात नोटिफाई करा दी है कि ये इस तरह के लोग बिना कपड़े पहने कैसे ढाई दिन के झोपड़े में गए, अंदर मस्जिद थी, तो सीआई साहब ने ये कहा कि मस्जिद के अंदर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। मैंने ये तो बात गलत हो रही है, कभी गरीबनाथ की शान में गुस्साखियाँ होती हैं, कभी ये लोग आज तक तो आए नहीं, आके फिर ये कहते हैं कि यहाँ संस्कृत महाविद्यालय था, ऐसी ऐसी बात। मेरे पास पीटीआई के संदीप जी का भी फ़ोन आया था, मुझे तो पता नहीं था, उनसे पता चला और अभी यूट्यूब देख के पता चला, तो मैंने तो फ़ौरन सीआई साहब को ये बात नोटिफाई करा दी क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, कंसर्निंग थाने को हमारा मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ढाई दिन का झोपड़ा और गरीबनाथ की दरगाह एक कोरिलेटेड है, आप इन तीनों चीज़ों दोनों चीज़ों को आइसोलेशन में कभी मत देखना। तो मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया और सीआई साहब को नरेंद्र जाखड़ जी को ये बात कह दी, उन्होंने कहा हम लोग बैठे हैं आप बेफिक्र रहिए, लेकिन मैंने उस पर अपना एतराज़ दर्ज जताया, कभी गरीबनाथ की शान में गुस्ताखी होती और आज तक तो आए नहीं, बिना कपड़े के ये लोग वहाँ पहुँच गए जेनी मुनी लोग, ये चीज़ हमें नागवार गुजरी है। मैंने अपना प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक साइलेंट प्रोटेस्ट मैंने दर्ज करा दिया है। अंजुमन के सचिव शिष्टी जी के सुनिए आपने ये ऑडियो जो सब जगह उन्होंने भेजी कि बिना कपड़े के लोग अंदर आ जाते हैं, एक आम इंसान और दिगंबर संतों के बीच में उन्हें फर्क समझ नहीं आता है, इतने गंभीर रूप से। अरे दिगंबर संत पूरे देश में कहीं भी अधिकार है उसी रूप में चलना, अरे एक तन पर धाके का परिग्रह नहीं रखते, तुम्हारी तरह लबाला भर के हम लोग इतने नहीं रहते हैं। वो ब्रह्मचर्य के 18 शील का व्रत पालन करने वाले, उनके बारे में ऐसी बेहुदा शर्मसार टिप्पणी करने वालों के कहते क्यों जबान बंद नहीं होताती है, हम तो यहां तक कहना पड़ता है। वो तो देख रहे हैं आप ये वासुदेव देवनानी जी अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के, अभी 3 दिन पहले आचार्य श्री के बाद दर्शन करने आए थे और उन्होंने जब ये मालूम चला तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कैसा विकृत दिमाग हो गया है इस तरह की टिप्पणी करने वाले के लिए, क्या वे दिगंबर संतों को बारे में जानता नहीं है कि उनकी चर्या क्या होती है, उनका व्यवहार क्या होता है, उनका रहन सहन क्या होता है, अरे उनके तो सारी दिशाएं ही अंबर होती हैं और अंबर बनकर ही दिगंबर स्वरूप में होते हैं। उन्होंने कहा कि यह विस्तृत मानसिकता का प्रतीक है, यह उन्होंने शर्मसार कर दिया है सनातन धर्म को, जैन संस्कृति को, यह घोर अपमान किया गया है। इस तरह से उन्होंने सबसे पहले टिप्पणी कर दी, समाज चुप रहा। अजमेर के उप महापौर हैं नीरज जैन भाई, उन्होंने भी देखिए टिप्पणी कर दी, अरे जो सर तन से जुदा करने वाले बात करते हैं, पीएफआई की समर्थक होते हैं, उन्हें तो इस तरह की बात बोलने की जुबान अधिकार भी नहीं देती है, स्पष्ट था उनका निशाना था वही अंजुमन के सचिव चिश्ती की इस बेहुदा टिप्पणी पर और जो वहां पर दुर्व्यवहार किया गया था। लेकिन अफसोस तो यह है भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको विरोध किया लेकिन जैन समाज अभी तक इसके बारे में चुप रहा। अफसोस यह लगता है जो आप ये देख रहे हैं, ढाई दिन के झोपड़े का पूरा सच हम आपको कल बताएंगे।
आचार्य श्री से जो बात हुई सारे पत्रकारों में, और जहां उन्होंने वहीं बैठकर सबके सामने कहा, वह भी सुनाएंगे कल आपको। पर और साथ में यह भी कहते हैं, आचार्य श्री ने कहा कि वहां से 100 से ज्यादा प्रतिमाएं खुदाई में मिली, निकाल के बाहर कर दी गई। वह सब कहां पर है? अभी तक, आज तक जैन समाज में कोई उसको देख नहीं पाया। चैनल महालक्ष्मी टीम खुद जाएगी और वहां पर लेकर आपके सामने प्रमाण के साथ साथ लाएगी। और अफसोस यह है कि हम कोई अपने साधु के प्रति दुर्व्यवहार करता है तो हमारी अंदर खून जो रगों में घूमता है ना, वे लाल से सफेद क्यों पड़ जाता है? वो श्वेत नहीं पड़ता जो तीर्थंकर का होता है, हमारा वो तो ठंडा पड़ जाता है। यह दिमाग से समझ के बाहर हो जाता है। और हाँ, कल अक्षय तृतीया थी। अब कुछ समाचार अक्षय तृतीया पर, कुछ विभिन्न घटनाओं के। आहारचर्या तब आदिनाथ महामुनिराज की राजकुमार श्रेयांस ने की थी, और उसी विधि से आज भी जगह जगह कल दृश्य देखने को मिले। देख रहे हैं आप, ये बूंदी से आचार्य श्री विश्व सागर जोशी के मुनि श्री आदित्य सागर जी संघ के, किस तरीके से लोग भक्ति करते हैं, किस तरह से नवदा वजियात आहार के लिए पड़गाहन करते हैं, हे स्वामी अत्रो 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 तेष्टो तेष्टो, बस यही तो है। देखिए, 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50, 100 नहीं है, 250, 300 लोग किस तरीके से कि आज हमारे गुरुवर का पड़गाहन हमारे चौके में हो जाए। बस हमने लिए अपने लिए चौका बनाया है, उसी में हम अति समविभाग व्रत पालन करते हुए हम मुनि महाराज को भी दे दें। बस यही होती है आनंद की, वात्सल्य की, प्रेम की भक्ति जो दिखती है। और कहते हैं, आपके पड़गान हो ना हो पर आपको पुण्य पूरा मिल जाता है। यह है अक्षय तृतीया का दृश्य बूंदी राजस्थान से। और अब दिखाते हैं आपको चैनल महालक्ष्मी सांदे महालक्ष्मी परिवार भी सबके सहयोग से, अपने समाज के सहयोग से इस तरीके से यह एक अक्षय तृतीया पर भंडारे का आयोजन करता है। अरे हर जगह भंडारे लगे, सैकड़ों ये खबर है, पर आपको यहाँ पर, क्योंकि हमने स्वयं इसका एक अनुभव किया बाहर खड़े होके उन लोगों से जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, आंखों में आंसू आ गए थे जब उनकी बातें सुनते थे। एक ईर्ष्या के अंदर अपनी दो बेटियों को लेकर वहीं से जा रहा था, उसने देखा भंडारा है, वह रुक गया। छोटी बेटी ने देखा पिता की तरफ और बड़ी बेटी उनको देखते हुए आगे चली गई। पिता तुरंत गया भंडारे में, लाइन में लगा और लेकर आया। तब तक मैंने छोटी बेटी पूछा, क्या हुआ? कहती है, जब पापा जी कमा लेते हैं तब हम दोपहर को स्कूल में लेकर आते हैं, लेकिन आज ये भंडारा मिल गया है इसलिए पिताजी हमारे लिए लेने, और बड़ी बहन इसलिए नरव के निकल गई है। हमने कहा, तुम भी ले लो? कहती, हाँ आज तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि हमें तो रोज़ कई बार हमें दोपहर को भी नहीं मिल पाता, जब पिता काम करके कुछ ला पाता है तब ऐसे ऐसे घर आ जाते हैं। बस रुकी, बस से 10-12 महिलाएं रुकी, वहीं उतर गई जिन्हें कलकाडुमा आगे स्टेशन पर उतरना था। वह उतरी और कहती, आज हमें सौभाग्य है कि आज हमें किसी जगह काम करती हैं साई धागे से, वह सब उतर के कर रही थी। एक वकील आए, वकील कलकाडुमा कोर्ट को जा रहे थे, तुरंत अपने स्कूटर उतरे, रोका और लग गए, और वो मुस्करा रहे थे, शायद पहचान लिए, कुछ बोले थे। हमने कहा, भाई क्या हुआ, देर नहीं हो रही तुम्हें, लो जल्दी जाओ। कहते, आज मेरी माँ बीमार थी और उसने खटिया से कहा था, चिंता मत कर बेटे, तुझे कहीं ना कहीं अच्छा भोजन मिल जाएगा, तू कोर्ट से पहले पहुंचेगा। और मेरी माँ की बात देखो, रोज रोज बना के देती है, आज बीमार थी नहीं दे पाई, मैं यहाँ पर देखो कितना सौभाग्य होता है, माँ का लाड़ प्यार कैसा होता है। चार बच्चे युवा थे, नॉन जैन थे, वह उतरे और फिर एक स्कूटर पर चारों बैठ के आ रहे थे। पीछे वाला उतर गया, जाने रुक जा, ये लोग नंगे रहते हैं, यह शब्द थे उसके, मैं बता रहा हूँ जो 2-3 बात कर रहे थे। नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे, अरे यहाँ तो आलू भी नहीं मिलेगा, प्याज भी मिलेगा। कहता, नहीं, इतना शुद्ध मिलेगा, जैन भंडारा है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें जाना नहीं जाना। और देखो हैरान करके, वह तीनों भी आए साथ में, चारों ने किया, और फिर पहले ने कहा, देख है ना बढ़िया। कहता, जैनों का तो होता बढ़िया। इस तरह बहुत बातें सुनी, बस से उतर के लोग उतर रहे थे, कार वाले उतर थे, देख के गदगद थे कि सचमुच भंडारे का लुत्फ किस तरह उठा रहे थे। यही सौभाग्य होता है जब हम अपने हाथ से किसी को जल दो, भोजन दो, तुम एक को दोगे 10 तुम्हारे लिए खड़े हो जाए। और कल तिजारा के दिखाएं, यहाँ पर आप चंदा प्रभु की तरफ यह नज़ारे देखिएगा। यहाँ पर रुपेश भाई जी आए थे अपने भजनों के सम्राट के साथ, अपने गिरों ने यहाँ पर एक समा बांध दिया था, जो यहाँ पर कल अक्षय तृतीया पर कार्यक्रम हुआ। दृश्य देख रहे हैं आप, ये तिजारा में कल के कार्यक्रम के। अक्षय तृतीया पर एक महामिलन हुआ आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ 30 पिच्ची के साथ, साथ में आचार्य श्री सागर। देख रहे हैं अब, ये अवसर था आदिनाथ भगवान का अक्षय तृतीया सबर महामस्तकाभिषेक का।
दोनों के सानिध्य में सत्संग था और यह दृश्य देखकर आनंदित हो रहे थे। जब कहते हैं दो संतों का जब मिलन होता है ना, तो धरती भी उनके चरणों को देखकर बाग बाग हो जाती है, ऊपर क्षितिज से गगन भी, सूरज भी धन्य हो जाता है ऐसे दृश्य को देखकर। अजमेर से एक और, यानी 3 दिन में 6 मई को घटना हुई थी, समाधि हुई थी मुनिश्री संप्रेष्टिष सागर जी की, और आज कहते हैं कल आप कह सकते हैं संप्रेक्षमती माता जी की समाधि हो गई आचार्य श्री सुनील सागर जी संघ के अंदर। आज अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। हाँ, तो बात कर लें सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनिकांत सागर जी, दिल्ली से विहार चल रहा है समडोली की तरफ। एक बार ध्यान रखिएगा, संतों के आहार और विहार में, आप कहें निहार में भी हमेशा सहयोग दें, आगे बढ़कर साथ दें। आहार की मौका मिल जाए आहार में, और विहार का मौका मिले विहार में। दिल्ली से चल रहा है विहार, उज्जैन पहुंचे थे, दृश्य वहां के देख रहे हैं आप। और यहीं पर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी से मिलन भी हुआ, दोनों के कार्यक्रम भी हुए। जब दो संत मिलते हैं तो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बातें करते हैं, धर्म चर्चाएँ होती हैं, और कई जो शंकाएँ आपस में होती हैं उनको कहते हैं निदान हो जाता है, ऐसे सौभाग्य मिलते हैं। और समडोली की ओर बढ़ चले हैं अब आचार्य श्री अनिकांत सागर जी। सहयोग करिए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए और गुरुओं के विहार के लिए। मौका मिलता है मत पीछे हटिएगा, ऐसे बहुत सौभाग्य विरलों को ही मिलता है। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेन्द्र।